आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को क्लिक करके ऑन कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। हेलो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बजाज के EMI कार्ड के जरिए आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास आजकल बहुत सारे लोगों के पास बजाज का EMI कार्ड हो रहा है तो उसे इस्तेमाल करते हुए आप फ्लिपकार्ट से EMI पे कुछ भी चीज़ मंगा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना है कि आपको इससे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को जो भी आप मंगा सकते हैं मंगा सकते हो भी EMI पे, जैसा कि मोबाइल्स हो, लैपटॉप, एवरीथिंग, आप कुछ भी मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले मोबाइल्स, यानी कि मोबाइल सर्च करके आप कौन सा भी मोबाइल लेके आपको बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे Redmi Note 5 Pro ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Asus Zenfone Max Pro। आप कौन सा भी मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, मैं खाली आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, आप ऑरेंज कलर का राइट साइड में आ रहा है नीचे ऑप्शन, बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिलीवरी आपका एड्रेस बता देगा वो, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू इसके बाद में करने के बाद में आपको पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पूछेगा वो आपका पेमेंट्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन आता है EMI इजी इंस्टॉलमेंट। आपको इस पर फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करके आपको देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे नो कॉस्ट EMI, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नो कॉस्ट, यानी कि आपको EMI के ऊपर कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट यानी कि कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, जितना मोबाइल है उतना ही आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस EMI कार्ड, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप नीचे को सभी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ बजाज फाइनेंस के EMI कार्ड के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस EMI कार्ड पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रहा है नो कॉस्ट EMI का। यहाँ पे इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए आपको 3667 बनना पड़ेगा अगर 3 मंथ के लिए। अगर आप 6 मंथ का लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको 1834 रुपीज़ बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप जो चाहे वो आप चूज़ कर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बता देता है हर फ़ोन की डिटेल, यहाँ पे अगर आप 3 मंथ का लेना चाहते हैं या फिर 6 मंथ का। यहाँ पे देखिए डिलीवरी चार्जेस फ्री है और आपको नो कॉस्ट EMI, यानी कि आपको 1 रुपया भी बढ़ के नहीं लग रहा है। यहाँ पे उसके बाद आपको ये आपको चूज़ कर लेने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली मेथड है, आप यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो भी बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड है आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है आपके बजाज EMI कार्ड का, और कार्ड की एक्सपायरी डेट भी डालनी है, कार्ड की एक्सपायरी डेट भी डालनी है आपको। लास्ट में जो लास्ट वाला ऑप्शन है CVV नंबर, ये होता है कि आपके जो कार्ड के पीछे ब्लैक स्ट्रिप पे 3 नंबर होते हैं उसे बोलते हैं CVV नंबर। तो इसके बाद में आपको अगर आपका कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं खाली आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे फिल कर देने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका क्या है EMI पे आपका फ़ोन बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब आपको ये मालूम हो गया होगा, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।